बच्चे आते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला अपने राधा कृष्ण भगवान है। कोटा, जिसे शिक्षा की नगरी कहा जाता है, वहाँ के राधा कृष्ण मंदिर में हर रोज कुछ अनोखा देखने को मिलता है। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र अपनी मनोकामनाएं एक दीवार पर लिखते हैं, मानो भगवान से सीधा संवाद कर रहे हो। चलिए जानते हैं इस अनोखी परंपरा की कहानी। कोटा में हर साल हजारों छात्र देश भर से आते हैं, अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर बड़े सपने संजोए हुए। तलवंडी इलाके का राधा कृष्ण मंदिर इन छात्रों के लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ की एक दीवार को आस्था की दीवार कहा जाता है, जहाँ छात्र अपनी कामनाएं लिखते हैं और मानते हैं कि इससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इस मंदिर की दीवार पर रोजाना सैकड़ों मनोकामनाएं लिखी जाती हैं। छात्र अपनी मेहनत और भगवान में विश्वास को मिलाकर लिखते हैं, मेरा नीट 2025 में सिलेक्शन हो जाए, हे प्रभु मेरा IIT में सिलेक्शन हो जाए, भगवान मुझे एम्स कॉलेज मिल जाए। यह दीवार उनके सपने और उम्मीदों का प्रतीक बन चुकी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह परंपरा साल 2000 से शुरू हुई थी। शुरुआत में पुजारी इसे मंदिर का अपमान मानते थे, लेकिन जब दीवार पे लिखे छात्रों ने अपनी प्रवेश परीक्षा पास कर ली तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। अब यह दीवार आस्था और विश्वास की निशानी बन चुकी है। राधा कृष्ण फेमस मंदिर है, इसका नाम चलता है। जो भी बच्चे आते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला अपने राधा कृष्ण भगवान है। मुझे साल भर हो गया, दो साल ढाई साल पहले पूजा की थी मैंने, तो मतलब 8 दिन में 10 दिन में इनकी दीवारों को पोत देते हैं और वापस ही बच्चे भर देते हैं इसको, और उनका जन्माष्टमी में झांके भी बनते हैं इसके। तरीके से क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर दीवारों को, पूरी दीवारें आटी पड़ी हैं, जो भी मनोकामनाएं उनकी माता बहनें आते हैं, उनकी बहनें आते हैं, तो सभी उनके आशीर्वाद से उनके बच्चे को पास करवा के, और राधा कृष्ण कोई इंजीनियर को 10-15 दिन में 20 दिन में। यहाँ आने वाले छात्र और उनके परिजन अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं, चाहे वह परीक्षा में पास होने की हो या माता पिता के खुशहाल जीवन की। मंदिर की दीवार पर 1-2 महीने में पेंट करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यह दीवार मनोकामनाओं से भरी होती है। ये मंदिर सबसे बहुत पुराना है, 1993 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, और जब से ही ये मंदिर चला आ रहा है, और यहाँ पे कोचिंग के बहुत छात्र आते हैं। मेरा नाम नमिता स्याल है, और यहाँ कोचिंग से दूर दूर से, अलग अलग प्रदेशों से, और मुझे तो लगता है कभी कभी बाहर से भी आते हैं, और वो बच्चे यहाँ आके अपनी मनोकामना यहाँ पे लिखते हैं दीवारों पे, और जब लिख के जाते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, और इसीलिए सभी बच्चे यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं दीवारों पर लिख लिख कर जाते हैं। और ये राधा कृष्ण मंदिर तलवंडी क्षेत्र में बसा हुआ कोटा में है। ये दीवार छात्रों के विश्वास और भगवान के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक है। कोटा के राधा कृष्ण मंदिर में हर रोज ये दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। लोकल 18 के लिए कोटा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।